फिल्म रिलीज हो रही है फर्स्ट अप्रैल को। अच्छा, फर्स्ट अप्रैल को लोग अप्रैल फूल भी बनाते हैं। कभी आपको किसी ने अप्रैल फूल बनाया? आप दोनों से मेरा ये सवाल है। मेरे लिए अप्रैल फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई का बर्थडे होता है। मेरा 2 अप्रैल को हुआ, शुक्र है आपके भाई के बर्थडे वाले दिन नहीं हुआ। नहीं, फिर भी वो अप्रैल वाले सारे भाई बन जाते हैं। अच्छा, जॉन का एक फिल्म में डायलॉग है ना कि हमारी जिंदगी के 2 दिन जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जब हम दुनिया में आते हैं, और दूसरा जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। तो जॉन भाई, आपको कब पता चला कि आपका जन्म दुनिया में प्रोटीन शेक खत्म करने के लिए हुआ है? मम्मी डैडी से पूछा भी मैंने, क्या तो मुझे सही जवाब नहीं मिला एक्चुअली। रकुल, आपने कभी इस गंभीर विषय पे कभी विचार किया है? कभी शायद आपको सताने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अक्षय सर को मिमिक करने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम? ये वाली टांग में बड़ी ठंड लगती है। आप वैसे 4 बजे क्यों उठते हो हमेशा? सच बताऊं, मेरा 4 बजे उठने को मन नहीं करता। मैं पता है रात को जब भी निकलता हूँ ना पार्टी करने के लिए, हाँ, तो ड्राइवर 9 बजे गाड़ी घुमा लेता है, कहता है आपके सोने का टाइम हो गया था। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो कहो कहो। ए, सुटे। हाँ, क्या कहना चाहता है तू? मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बायोपिक है, हाँ, वो आप करो। ठीक है, we are friends। ये देखो, ये राइटर है। मैं आपको आपकी एंट्री बताता हूँ। एंट्री सुना? एंट्री जो है मैं आपको, हाँ, बताता हूँ। हाँ, तो ये क्या है, लड़का है, थोड़ा सा गरीब है। मैं क्या साल में 8-8 फिल्में गरीब होने के लिए करता हूँ? अगला जो सीन है इसमें, हाँ, रात के 9 बजे हैं, मेरे सोने का टाइम हो गया। चल सर, फिल्म में 9 बजे हैं रात के, यहाँ तो अभी 4 बजे हैं। 4 बजे मेरे एक्सरसाइज का टाइम होता है। एक मिनट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिप मैंने इम्प्लांट की होती है, आई एम द साइंटिस्ट। तो यहाँ पर चिप जाती है और फिर यहाँ पर एक कंप्यूटर होता है, जो भी आप सोच रहे हैं इट रीड्स, और फिर आपकी बॉडी वैसे एक्ट करती है, तो उसका नाम है ईरा। आपने ये जो सारी टेक्नोलॉजी वाली बात बताई, मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया। पर ये है कि आप बोलते हुए बड़ी अच्छी लग रही हैं। एक काम कर सकते हैं, ऐसी चिप बना दे जिनसे इनका ब्रेन काम करना शुरू कर। और कुछ कॉम्प्लीमेंट दो ना। भाई तो फिटनेस में होगा ही ना। ऐसे भाई वाले वर्ड ना बंद हो जाते, किशमिश अच्छी होती है। रकुल, तुम तो ऐसी नहीं थी, बदल गई हो। नहीं, मैं हमेशा से ऐसी थी, आप पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो। और बोलो, कुछ अच्छा लग रहा है बोलो। रकुल, आपके बारे में अफवाह है कि आप जितनी प्यारी दिखती हैं उससे भी कहीं ज्यादा हैं। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि सच्ची में अफवाह है? आज कुछ अंदाज ही अलग है कपिल का, आशिकाना अंदाज। क्या हो गया कपिल? फिर लक्ष्य के साथ फ्लर्ट करूं, क्या करूं? रुको जरा, सबर करो। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? अरे, इनकी फिल्म आ रही है अटैक, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आपकी और जैकी की जोड़ी, नहीं ट्रेलर में मैंने देखा, जैकी जैकलीन। मैं कभी आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, कभी ऐसा हुआ क्या कि फिल्म के शूटिंग के दौरान लक्ष्य जी ने आपको और जैकी जी को पैकअप कह दिया हो, फिर अचानक से ये दौड़ते हुए आए और आपसे कहा नहीं 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 पैकअप नहीं हुआ है, एक सीन और बाकी है, इसलिए रकुल और जैकी भागनानी। लगता है गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, इसलिए जॉन मुंह से हॉर्न मारते हुए। डायरेक्टर, आपकी फिल्म में जैसे रकुल हैं, जैकलीन है, मन नहीं भटकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, जॉन ने बहुत अच्छी डिसिप्लिन दी है। आई टोल लक्ष्य के लक्ष्य, जब भी तुम काम कर रहे हो ना, अपने काम पे ध्यान देना, जैसे घोड़ा रेस में भागता है, अपने मंजिल की तरफ देखना, लेफ्ट मत देखना, राइट मत देखना, बस अपने लक्ष्य की तरफ देखना। तुम सीधा देखो, इधर उधर मैं देख लूंगा। देखा, आप अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे। जी, इसकी वजह ये तो नहीं आपको मन में आया हो कि सारा पैसा तो मेरा लगा, मैं क्यों मानूं किसी? अब ये पार्ट 1 है जी। मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा पीछे, ही सेइंग अगर हम लोग पार्ट 2 बनाए क्या, कपिल को मैं एक सुपर सोल्जर बनाए क्या? व्हाट, रियली? या, ओह माय गॉड। रकुल को आपने कभी नोटिस किया, जब पहले हमारे शो पे आए थे ना सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, फिर अजय देवगन साहब के साथ आई, अब जॉन भाई के साथ आई, आप अकेले कहां जाती हो? मुझे वहां पहुंचना है।
मैं मेहंदी लगा लेता हूँ आपको पता है। जब भी दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार के घर में शादी होगी ना, हाँ जी, आपको वहाँ मैं काम दिला दूंगी मेहंदी का। और बोलो को कैसा लगा? और छोटी ABC सुनाओ ना।